हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आम द्विघात समीकरण और तार समाधान विषय आलोचना करवा। एक अज्ञात राशि विशिष्ट समीकरण रे अज्ञात राशि सर्वोच्च घात दुई हेले यहाकु द्विघात समीकरण कहा जाए। उदाहरण एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। यही समीकरण रे अज्ञात राशि सर्वोच्च घातांक हूँ दुई। प्रथम पदरे अज्ञात राशि घातांक हूँ दुई, द्वितीय पदरे अज्ञात राशि घातांक हूँ एक, कारण माइनस फाइव एक्स कह माइनस फाइव एक्स टू द पावर वन कह से। तृतीय पदटी ध्रुवक पद, ये अज्ञात राशि घातांक के शून्य, कारण सिक्स जहाँ सिक्स इंटू वन से सिक्स इंटू वन कह सिक्स इंटू एक्स टू द पावर जीरो कह से, कारण एक्स टू द पावर जीरो मूल्य हूँ एक, तेणु ये अज्ञात राशि घातांक हूँ शून्य। ताल सर्वोच्च घात हूँ दुई, तेणु एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो एक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण साधारण रूप हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जेउठारे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए रा मूल्य शून्य हेब ना, कारण जदि ए रा मूल्य शून्य हो गला ताले शून्य इंटु एक्स स्क्वायर ये जब शून्य ताले यही पदटी रहिबो नाही, ताले रहिबो बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ताले बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो रे अज्ञात राशि सर्वोच्च घातांक हूँ एक, तेणु एटा एक घाती समीकरण हम द्विघात समीकरण हो पार ना। से जो पदरे एक्स स्क्वायर थी बा जो पदरे अज्ञात राशि घातांक दुई थी तार सहग केबे शून्य हेब ना, कारण जदि शून्य हो ही पदटी ही रही नहीं, जहाँफल द्विघात समीकरण हो पार ना। से ए इज नॉट इक्वल टू जीरो लिखा जाए, बी जीरो हो पार, सी मध्य जीरो हो पार। जदि बी जीरो हम तेल रही एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जदि सी जीरो हम तेल हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू जीरो, जदि बी जीरो सी मध्य जीरो तेल द्विघात समीकरण टी हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, किंतु ए केबे जीरो हो पार ना। प्रथम पदरे सांख्यिक सहग हूँ ए, द्वितीय पदरे सांख्यिक सहग हूँ बी, तृतीय पदटी हूँ ध्रुवक पद। एठारे द्विघाती समीकरण बाम पार्श्व एक द्विघात पॉलिनोमियल, ए बाम पार्श्वटी गोटे द्विघात पॉलिनोमियल जहाँ उत्पादकीकरण संभव। उत्पादकीकरण केमिति करा जाए ताहा आगुरु पढ़ा जाइछि। पॉलिनोमियल काहाकु कहा जाए, जेउं बीजगणितिक परिप्रकाश रे अज्ञात राशि घातांक अण ऋणात्मक पूर्ण संख्या होइथिबो ताहाकु आमे पॉलिनोमियल कहिबा। एही पॉलिनोमियल को आमे उत्पादकीकरण करि परिबा, विभिन्न अभेद प्रयोग करी पॉलिनोमियल रो उत्पादकीकरण करा हेतला। गोटे अभेद होची ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, आ गोटे अभेद होची एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल इंटु एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए होल इंटु एक्स प्लस बी। ए प्लस बी रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। आहरी गोटे अभेद जानते ए माइनस बी रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही दुईट जाक अभेद को आम एका थर के केमिति लिखिपर ए प्लस और माइनस बी रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस और माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, या मैंने ए प्लस बी रोल स्क्वायर हम ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी रोल स्क्वायर हम ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। प्रत्येक द्विघात पॉलिनोमियल रो दुईट एक घाती उत्पादक थाए। आम यही विषय प्रश्न उत्तर कला बेले से विषय जापर जमी एक घाती समीकरण में केवल गोटे बीज रही थाए, ठीक सेमती द्विघात समीकरण में केवल दुईट बीज रही थाए। गोटे समीकरण घात संख्या जहाँ तार बीज संख्या से द्विघात समीकरण रे समीकरणटर घात हो दुई, तेणु तार दुईट बीज रही थाए। बर्तमान आम कि द्विघाती समीकरण को समाधान करवा। उदाहरण पंदर से कह समाधान कर,
एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू जीरो आपको हमें समाधान करवा अर्थात अज्ञात राशि मूल्य निर्णय करवा समाधान एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू जीरो दिस इम्प्लाइज एटी दुईट पद रही आमर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो मध्यम पदटी एटी ना अर्थात बी एक्स पदटी ना दुईट पद रही यहाँ रही एक्स स्क्वायर एटी लिखाई माइनस 36 ताले एक्स स्क्वायर माइनस एटा को आम स्क्वायर रूप से प्रकाश करदे 36 कहार स्क्वायर 6 स्क्वायर तेणु आम लिखिद 6 स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो दिस इम्प्लाइज यार सूत्र कौन एक्स प्लस 6 होल इंटु एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो आम आगु पढ़ी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल इंटु ए माइनस बी एटी सेमती अच्छी एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर तेणु हो गला एक्स प्लस 6 होल इंटु एक्स माइनस 6 प्रथम संख्यार स्क्वायर माइनस द्वितीय संख्यार स्क्वायर सूत्र कौन प्रथम संख्या प्लस द्वितीय संख्या होल इंटु प्रथम संख्या माइनस द्वितीय संख्या दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस 6 होल इंटु एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो तार माने कौन एक्स प्लस 6 जदि जीरो हम तेज जीरो एक्स माइनस 6 गुणले भी जीरो हम बा एक्स माइनस 6 जदि जीरो होला तले एक्स प्लस 6 रे ए जीरो गुणन कले जीरो आसीबो सेथि पई एठी आमे लिखिबा एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो किंबा एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो दिस इम्प्लाइज एक्स केते एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो तले एक्स केते माइनस 6 किंबा एक्स माइनस 6 मध्य जीरो तले एक्स केते हबो ए माइनस 6 दक्षिण पार्श्व गले हो प्लस 6 ताले एक्स इज इक्वल टू माइनस 6 किंबा एक्स इज इक्वल टू 6 अतएव निर्णय समाधान माइनस 6 ओ 6 उदाहरण 16 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 समीकरण समाधान कर ताले आपको आम कमी समाधान करवा द्विघात समीकरण बाम पार्श्वर जो तीनो पद रही कथा रही समाधान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एटी ए रूल्य हूँ 1 कारण आम द्विघात समीकरण साधारण रूप हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ताले से अनुसार ए के हूँ 1 बी हूँ माइनस 5 सी हूँ 6 तले एभली क्षेत्र में आम कमी समाधान करवा आम एमती दुईट संख्या भाविबा जमी गुणन कले हम सी ए किंतु जोग कले जमी बी हो तले आम दुईट संख्या पी ओ क्यू स्थिर करवा जमीक पी गुणन क्यू सी ए संगे सामान हो पी प्लस क्यू बी संगे समान हो रूल्य 1 तेणु आम जो दुईट संख्या स्थिर करवा से संख्या दुईटर गुणफल केवल सी हेले भी चलो कारण सी ए जहाँ एटी सी से कारण ए रूल्य 1 तेणु सी गुणन 1 सी संगे समान ताले आम दुईट संख्या एटी स्थिर करवा जमी गुणन कले केवल सी आसीबो कारण ए रूल्य 1 सी केते सी होची 6 से संख्या दुईट को गुणन कले आस किंतु से संख्या दुईट को जोग कले जमी माइनस 5 आस जेहेतु गुणफल आमर धनात्मक आसुच्छी आम जो दुईट संख्या भाविबा से दुईट जाक संख्या धनात्मक संख्या किंबा दुईट जाक संख्या ऋणात्मक संख्या पड़ो निश्चित भाव क्यों क्यों संख्या को गुणिले 6 आसब आम जानू 3 गुणन 2 समान 6 ताले 3 दुणे 6 ताले आमे जो संख्या स्थिर करवा सीए गोटे 3 आ गोटे 2 हबार संभावना अच्छी किंबा माइनस 3 माइनस 2 हबार संभावना अच्छी हेले कोटा ठीक आमर जोग कले जमी माइनस 5 आसब 3 रे 2 जोग कले प्लस 5 माइनस 5 हम ना तेणु माइनस 3 रे माइनस 2 जोग कले माइनस 5 तेणु आम जो संख्या दुटा भाविबा से संख्या दुईटी होची माइनस 3 ओ माइनस 2
दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस फाइव केमिति पाइबा माइनस थ्री प्लस माइनस टू होल इंटु एक्स ताले माइनस थ्री प्लस माइनस टू हूँ माइनस फाइव इंटु एक्स है माइनस फाइव एक्स प्लस माइनस फाइव एक्स कह जहाँ माइनस फाइव एक्स कह से प्लस ए माइनस थ्री माइनस टू गुणीमा माइनस थ्री इंटु माइनस टू जहाँ सिक्स से इज इक्वल टू जीरो दिस इम्प्लाइज एटी आमर कि अभेद प्रयोग हम एक्स प्लस ए होल इंटु एक्स प्लस बी कहीं कारण ये रही एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल इंटु एक्स प्लस ए बी तेणु फर्मूला आसो एक्स प्लस ए होल इंटु एक्स प्लस बी ताले एक्स प्लस ए के माइनस तीन ताले एक्स प्लस माइनस तीन आम सीधा साल एक्स प्लस माइनस थ्री न लिखिकी आम एक्स माइनस थ्री ही लिखिद होल इंटु एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी ताने एक्स प्लस बी हूँ माइनस टू एक्स प्लस माइनस टू लिखा जहाँ एक्स माइनस टू लिखा से इज इक्वल टू जीरो यही तक फर्मूला आसा ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल इंटु एक्स प्लस ए बी तार सूत्र हूँ एक्स प्लस ए होल इंटु एक्स प्लस बी ताले इज इक्वल टू जीरो दिस इम्प्लाइज ये एक्स माइनस थ्री जीरो हेले जीरो गुणन एक्स माइनस टू मध्य जीरो हम एक्स माइनस टू जीरो हेले एक्स माइनस थ्री इंटु जीरो मध्य जीरो संगे समान हम तेणु एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो किंबा एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू थ्री ए माइनस थ्री दक्षिण पार्श्व आसे प्लस थ्री हम किंबा एक्स इज इक्वल टू टू अतएव निर्णय समाधान थ्री ओ टू और यहीपर भाव कले आमको यही स्टेप रे टिके कष्ट लगे तेणु ताको आम सहजे केमी कर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो से ही एका जिनस करवा कि जिनस को आम लिखा ना तो कमी करवा दिस इम्प्लाइज एटी ए रूल्य हूँ एक बी रूल्य माइनस पाँच सी रूल्य हूँ छे दुईट संख्या स्थिर करवा जमी गुणन कले हम सी ए जेहेतु ये ए रूल्य एक तेणु गुणन कले केवल सी हो दरकार कितु से ही संख्या दुईट को जोग कले माइनस पाँच जमी हम अर्थात बी जमी बाहर जेहेतु गुणफल धनात्मक से आम जो दुईट संख्या स्थिर करवा से संख्या दुईट उभय धनात्मक होते कि उभय ऋणात्मक होते कारण दुईट धनात्मक संख्या को गुणन कले गुणफल धनात्मक संख्या आसे दुईट ऋणात्मक संख्या को गुणन कले गुणफल धनात्मक संख्या आसे क्यों क्यों संख्या को गुणिले छ आसव तीन दुणे छदि आम एक छुणे छ आसव किंतु एक और छ को जोग कले माइनस पाँच आसव ना बा माइनस एक और माइनस छ को जोग कले जोगफल माइनस पाँच आसूना तेणु से संख्या दुईट हो पारना तीन रे दुई गुणन कले छुच्ची किंतु तीन रे दुई जोग कले प्लस पाँच हो माइनस पाँच होमर संख्या दुईट जाक धनात्मक हम कि दुईट जाक ऋणात्मक हम तेल एटी संख्या दुईट निश्चित ऋणात्मक हम माइनस थ्री आ गोटे हम माइनस टू माइनस थ्री माइनस टू हम माइनस फाइव से लिखे एक्स स्क्वायर ए माइनस फाइव एक्स बदल आम अलग जिनस लिखा कौन लिखा आम गोटे संख्या भाभी माइनस थ्री आ गोटे संख्या भाभी माइनस टू तेणु लिखा माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स जहाँ माइनस फाइव एक्स से प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो दिस इम्प्लाइज यही दुईट पदर एक्स कमन नवा एक्स कमन ना एटी एक्स एक्स सहित गुण नहीं रही तेणु बंधन मध्य एक्स रहा ए माइनस थ्री एक्स रु एक्स कमन नहीं जाए तेणु बंधन मध्य रहा माइनस थ्री यही दुईट पदर आम एम कौन कमन नवा जहाँफल कि बंधन मध्य एक्स माइनस थ्री रमें से ही अनुसार कमन नवा तेल बंधन मध्य एक्स माइनस थ्री रहा यही पदर बंधन मध्य एक्स रहा बंधन बाहर निश्चित माइनस टू रहा आम माइनस टू को कमन नवा तो माइनस टू कमन ना बंधन मध्य किए रक्स
କାରଣ ମାଇନସ୍ ଟୁରେ ଏକ୍ସ ଗୁଣନ କଲେ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ହେବ, କାରଣ ମାଇନସ୍ ଟୁରେ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଗୁଣନ କଲେ ସିକ୍ସ ହେବ, ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏଠି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ସହିତ ଗୁଣନ ହୋଇକି ରହିଛି, ଏଠି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଟୁ ସହିତ ଗୁଣନ ହୋଇକି ରହିଛି, ତେଣୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ କମନ୍ ଯିବ, କମନ୍ ଗଲେ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରହିବ ଏକ୍ସ, କାରଣ ଏଠି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ସହିତ ଗୁଣନ ହୋଇଥିଲା, ଏଠୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ କମନ୍ ନେଇଯାଇଛେ, ତେଣୁ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ମାଇନସ୍ ଟୁ, ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, କିମ୍ବା ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଗଲେ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ, କିମ୍ବା ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଗଲେ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ। ଅତଏବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମାଧାନ ଥ୍ରୀ ଓ ଟୁ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସତର ସେ କହିଛି ସମାଧାନ କର ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ନାଇନ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା? ଏହି ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତିନୋଟି ଯାକ ପଦ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହାକୁ ଲେଖିଦେବା ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ନାଇନ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଆମେ ଏମିତି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର କରିବା ଯେମିତି ଗୁଣନ କଲେ ହେବ ସି ଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ସ୍ଥିର କରିବା ସେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ ଯୋଗ କଲେ ଯେମିତି ବି ଆସିବ। ଏଠି ଏ ହେଉଛି ଦୁଇ, ବି ହେଉଛି ମାଇନସ୍ ନାଇନ୍, ସି ହେଉଛି ଫୋର୍, ତାହେଲେ ଗୁଣନ କଲେ ଆସିବ ସି ଏ, ତାହେଲେ ଚାରି ଗୁଣନ ଦୁଇ ଆଠ। ଯେମିତି ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର କରିବା ଗୁଣନ କଲେ ହେବ ଆଠ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ କଲେ ମାଇନସ୍ ନ ହେବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏକ ଗୁଣନ ଆଠ ସମାନ ଆଠ, ଏକରେ ଆଠ ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ଆସିବ ନଅ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଗଫଳ ମାଇନସ୍ ନ ଆସିବାର ଅଛି, ଏଠି ଗୁଣଫଳ ପ୍ଲସ୍ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ଉଭୟ ଧନାତ୍ମକ କିମ୍ବା ଉଭୟ ଋଣାତ୍ମକ, ଏଠି ଉଭୟ ଧନାତ୍ମକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏକ ମିଶାଣ ଆଠ ନଅ ଆସୁଛି, ମାଇନସ୍ ନ ଆସିଲା ନାହିଁ, ତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମାଇନସ୍ ଏକ ଓ ମାଇନସ୍ ଆଠ, କାରଣ ମାଇନସ୍ ଏକରେ ମାଇନସ୍ ଆଠ ଯୋଗ କଲେ ମାଇନସ୍ ନ ହେବ। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍, ତାହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ମାଇନସ୍ ଏକ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ମାଇନସ୍ ଆଠ, ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ଏକ ଗୁଣନ ଏକ୍ସ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ, ମାଇନସ୍ ଆଠ ଗୁଣନ ଏକ୍ସ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ଏଇଟ୍ ଏକ୍ସ। ମାଇନସ୍ ନାଇନ୍ ଏକ୍ସ ବଦଳରେ ଆମେ ଲେଖିବା ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏଇଟ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍, ଏ ଫୋର୍ ସେମିତି ରହିଦେବ, ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏଇ ଦୁଇଟି ପଦରୁ ଆମେ କ'ଣ କମନ୍ ନେଇପାରିବା? ଏକ୍ସ କମନ୍ ନେଇପାରିବା, ତେଣୁ ଏକ୍ସ କମନ୍ ଗଲା ହୋଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ, ଏଠି ଏକ୍ସ ଟୁ ଏକ୍ସ ସହିତ ଗୁଣ ନେଇକି ରହିଛି, ତେଣୁ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଟୁ ଏକ୍ସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରୁ ଏକ୍ସ କମନ୍ ନେଇଯାଇଛେ ତେଣୁ ରହିବ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, କାରଣ ଏକ୍ସରେ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଗୁଣନ କଲେ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ହେବ। ତାହେଲେ ଏହି ଦୁଇଟି ପଦରୁ ଆମେ କ'ଣ କମନ୍ ନେବା ଯାହାଫଳରେ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ରହିବ, ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କମନ୍ କ'ଣ ନେବା? ଏ ଟୁ ଏକ୍ସରେ କେତେ ଗୁଣନ କଲେ ମାଇନସ୍ ଏଇଟ୍ ଏକ୍ସ ହେବ? ମାଇନସ୍ ଫୋର୍, କାରଣ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଗୁଣନ ଟୁ ଏକ୍ସ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ଏଇଟ୍ ଏକ୍ସ, ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ କମନ୍ ନେଲେ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପଦରୁ ରହିବ ଟୁ ଏକ୍ସ, ଏହି ପଦରୁ ରହିବ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏଠି ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଏକ୍ସ ସହିତ ଗୁଣନ ହୋଇକି ରହିଛି, ଏଠି ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ସହିତ ଗୁଣନ ହୋଇକି ରହିଛି, ତେଣୁ ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ କମନ୍ ନେବା, କମନ୍ ନେଲେ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ କି ରହିବ ଏକ୍ସ, ଏଠି ଆସିବ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍, ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, କିମ୍ବା ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍, କିମ୍ବା ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫୋର୍। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ, କିମ୍ବା ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫୋର୍। ଅତଏବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମାଧାନ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଓ ଫୋର୍। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିକି ଲେଖୁଛେ, ଏଠି ଯଦି ପ୍ରଥମେ ମାଇନସ୍ ଏଇଟ୍ ଏକ୍ସ ଲେଖିବି ତାପରେ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ଲେଖିବି, ତଥାପି ଆମେ ଏହି ଏକା ଉତ୍ତର ପାଇବା, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର କମନ୍ ଯିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାଠ କରିପାରିବା। ଉଦାହରଣ ଅଠର ସମାଧାନ କର ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିପାରିବା,
ଯେହେତୁ ତିନୋଟି ଯାକ ପଦ ରହିଛି, ଏଠି ଏ ର ମୂଲ୍ୟ ଏକ, ବି ର ମୂଲ୍ୟ ମାଇନସ୍ ଟୁ, ସି ର ମୂଲ୍ୟ ୱାନ୍, ତାହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଭାବିବା ଯେମିତି ଗୁଣନ କଲେ ସି ହେବ। କାରଣ ଏଠି ସି ଏ କହିବା ଯାହା, ଖାଲି ସି କହିବା ସେଇଆ, କାରଣ ଏ ର ମୂଲ୍ୟ ଏକ, ତେଣୁ ସି ରେ ଏକ ଗଲେ ସେଇ ସି ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର କରିବା, ଯେମିତି ଗୁଣନ କଲେ ଆସିବ ସି, ତାମାନେ ଏଠି ସି ର ମୂଲ୍ୟ ଏକ, ଗୁଣନ କଲେ ଆସିବ ଏକ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ କଲେ ଆସିବ ମାଇନସ୍ ଟୁ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏକରେ ଏକ ଗୁଣିଲେ ହେଉଛି ଏକ, ଏଠି ଗୁଣଫଳ ଗୋଟିଏ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା, ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି, ଦୁଇଟା ଯାକ ଧନାତ୍ମକ ହେବ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ଯାକ ଋଣାତ୍ମକ ହେବ। ଏକ ଗୁଣନ ଏକ ସମାନ ଏକ ଆମେ ଜାଣୁ, ଆଉ ଏକରେ ଏକ ଯୋଗ କଲେ ଦୁଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମାଇନସ୍ ଟୁ ଦରକାର, ତାହେଲେ ସେ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, କାରଣ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ରେ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଯୋଗ କଲେ ମାଇନସ୍ ଟୁ। ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ, ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ, ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଯାହା ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ଲେଖିବା ସେଇଆ, ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଦୁଇ ସିମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏଇ ଦୁଇଟି ପଦରୁ କ'ଣ କମନ୍ ଯିବ, ଏକ୍ସ କମନ୍ ଯିବ, ତେଣୁ ଏକ୍ସ କମନ୍ ଗଲେ ଏଠି ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ସହିତ ଗୁଣ ନେଇକି ରହିଛି, ତେଣୁ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ୍ସ ରହିବ, ଏଠୁ ଏକ୍ସ କମନ୍ ପଳେଇଲା, ତେଣୁ ରହିବ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍। ଏଇ ଦୁଇଟି ପଦରୁ ଆମେ ଏମିତି କ'ଣ କମନ୍ ନେବା ଯାହାଫଳରେ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ରହିବ, ଟିକିଏ ଛାଡ଼ିକି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍କୁ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରଖିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସରୁ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ କେବଳ ଏକ୍ସ ରହିଛି, ତାହେଲେ କେତେ କମନ୍ ଯାଇଛି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, କାରଣ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ରେ ଏକ୍ସ ଗୁଣିଲେ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ହେବ, ଆଉ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ରେ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଗୁଣିଲେ ୱାନ୍ ହେବ, ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏଠି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଏକ୍ସ ସହିତ ଗୁଣ ନେଇକି ରହିଛି, ଏଠି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ସହିତ ଗୁଣ ନେଇକି ରହିଛି, ତେଣୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ କମନ୍ ଯିବ, ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, କିମ୍ବା ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍, କିମ୍ବା ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍, ଦୁଇଟା ଯାକ ସମାନ ଆସିଲା, ଅତଏବ ମୂଳଦ୍ୱୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମାଧାନ ଏକ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଆସିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଦୁଇଟି ଉତ୍ତର ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଯାକର ଉତ୍ତର ସମାନ ପଡ଼ିଗଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ ମୂଳଦ୍ୱୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ। ଆକୁ ଆମେ ଆଉ କେମିତି କରିପାରିବା, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏ ହେଲା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଏଇ ୱାନ୍ ଯାହା ୱାନ୍ ସ୍କୋୟାର ସେଇଆ, ତେଣୁ ଏଠି ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ଲେଖିଦେବା, ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ଏକକୁ ୱାନ୍ ସ୍କୋୟାର ରୂପେ ଲେଖିଦେବା, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଏ ମାଇନସ୍ ବିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଫର୍ମୁଲା ପକାଇଲେ, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଏହି ଉପାୟରେ କରିବା, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ପଦଟି ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ତୃତୀୟ ପଦଟି ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ସହଗ ମାଇନସ୍ ଟୁ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଏ ମାଇନସ୍ ବିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଫର୍ମୁଲା ପଡ଼ିପାରିଲା। ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ବା ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍, ଏଠି ବି ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍, ଅତଏବ ମୂଳଦ୍ୱୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାନ୍। ଉଦାହରଣ ଉଣେଇଶ, ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଅଠର ବାଇ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀର ମୂଳଦ୍ୱୟ ସ୍ଥିର କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା। ସମାଧାନ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଅଠର ବିଭକ୍ତ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା, ଏହାର ହର ହେଉଛି ଏକ, ଏହାର ହର ହେଉଛି ଏକ୍ସ, ତେଣୁ ଲସ୍ ଆଗକୁ ଆସିବ ଏକ୍ସ, ତାହେଲେ ହର ୱାନ୍ ଥିଲା ଏକ୍ସ ହେଲା, ଏକ୍ସ ଗୁଣ ନେଇଛି, ତେଣୁ ଲବରେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସ ଗୁଣିବା, ଏକ୍ସରେ ଏକ୍ସ ଗୁଣିଲେ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍, ଏଠି ହର ଏକ୍ସ ଲସ୍ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସ, ତେଣୁ ବଦଳି ନାହିଁ, ଲବ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିବ, ତେଣୁ ସେଇ ଅଠର ଲେଖିବା, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଅଠର ବିଭକ୍ତ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍
एक्स स्क्वायर माइनस अठर इज इक्वाल टू एटी एक्स हरण होकर रही है दक्षिण पार्श्व गले गुण नहीं जाए इज इक्वाल टू थ्री एक्स दिस इम्प्लाइज आम कौन करवा अज्ञात राशि विशिष्ट पद को बाम पार्श्व को आने भारी तले एक्स स्क्वायर ये थ्री एक्स बाम पार्श्व को आसे हम माइनस थ्री एक्स ये रही माइनस अठर लिखिद इज इक्वाल टू एपटे किसी रहा नहीं तेणु जीरो तेणु एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस अठर इज इक्वाल टू जीरो आम गोटे द्विघात समीकरण पाईले ये तीन द्विघात समीकरण बाम पार्श्व तीनोटी जाक पद ये रही तेणु ये आम केमी करवा एमती दुईट संख्या स्थिर करवा जेमती गुणन कले हम सी कारण ये ए रूल्य एक तेणु गुणन कले सी ए कह जा खाली सी कह से ताले संख्या दुईट स्थिर करवा जमी गुणफल हम सी अर्थात एटी हम माइनस अठर कितु जोग कले जमी जोगफल आस माइनस थ्री गुणन कले हम सी ए कितु एटी खाली सी संगे सामान जोग कले हि गुणन कले माइनस अठर हम ताले एथर आम कौन जानूचे जो दुईट संख्या स्थिर करवा से गोटे ऋणात्मक संख्या जहाँफल गुणफल माइनस आस अच्छा आम जानू छि अठर तेल छुणन तीन हूँ अठर कि गोटे संख्या माइनस आसव छन भितर कौटा माइनस आसो केमी जाना आम छन रु केमी माइनस तीन पाइबा छाण तीन हूँ तीन जो उल्टई देवा तीन फेड़ाण छज माइनस थ्री तेल गोटे संख्या हूँ थ्री आ गोटे संख्या हूँ माइनस सिक्स थ्री रे माइनस सिक्स जोग कले हम माइनस थ्री थ्री रे माइनस सिक्स गुणन कले हम माइनस अठर छुणन तीन हूँ अठर ये छन रु आम केमी माइनस तीन पाइबा छु तीन वियोग कले तीन हूँ माइनस तीन होना तेणु आपको उल्टई देवा थ्री माइनस सिक्स थ्री माइनस सिक्स हूँ माइनस थ्री तेणु गोटे हूँ थ्री अंट हूँ माइनस सिक्स दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर तेल गोटे हूँ थ्री अंट हूँ माइनस सिक्स थ्री एक्स गुण थ्री एक्स तेल एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स अंट हूँ माइनस सिक्स माइनस सिक्स एक्स गुणले हम माइनस सिक्स एक्स तेल थ्री एक्स माइनस सिक्स एक्स ये माइनस थ्री एक्स बदल आम लिखिले माइनस अठर इज इक्वाल टू जीरो दिस इम्प्लाइज ये दुईट पदर कौन कमन जा पार एक्स कमन जीव कमन गले एटी एक्स एक्स सहित गुण नहीं रही तेणु बंधन भितर एक्स रहा यू एक्स कमन नहीं जाए तेणु रहा किए प्लस थ्री ये दुईटर आम कौन कमन नवा जहाँफल बंधन मध्य रक्स प्लस थ्री कौन कमन जीव एक्स माइनस सिक्स गुण माइनस सिक्स एक्स तेणु ये माइनस सिक्स कमन जीव ताले माइनस सिक्स एक्स गुण माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स थ्री गुणन कले माइनस अठर इज इक्वाल टू जीरो दिस इम्प्लाइज एटी एक्स प्लस थ्री एक्स सहित गुण नहीं रही एटी एक्स प्लस थ्री माइनस सिक्स सहित गुण नहीं रही तेनाली एक्स प्लस थ्री कमन जीव एट रहा एक्स एट रहा माइनस सिक्स इज इक्वाल टू जीरो दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस थ्री इज इक्वाल टू जीरो बा एक्स माइनस सिक्स इज इक्वाल टू जीरो दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वाल टू माइनस थ्री बा एक्स इज इक्वाल टू सिक्स अतएव निर्णय समाधान माइनस थ्री ओ सिक्स उदाहरण कोड़े कही समाधान कर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वाल टू तीन शह तेईस दिस इम्प्लाइज केमी करवा तीन शह तेईस को बाम पार्श्व को आने आम कर कि आउ गोटे उपाय भी करमी इटि रही एक्स स्क्वायर एटी रही एक्स कि तार सहग रही माइनस टू तेणु ये ए माइनस बी होल स्क्वायर फर्मूला पक जा पार कि आउ गोटे पद ना आम मनुर लिखा एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटु एक्स इंटु वन कह जहाँ माइनस टू एक्स कह प्लस वन स्क्वायर यहाँ मनुर लिखले वन स्क्वायर दक्षिण पार्श्व में आम तीन शह तेईस लिखिदे कि प्लस वन स्क्वायर मनुर लिखा बाम पार्श्व में वन स्क्वायर जोग कले दक्षिण पार्श्व में स्क्वायर जोग कले दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन स्क्वायर हूँ वन तीन शह तेईस मिशाण वन केत हम तीन शह चबीस दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू बाम पार्श्व को स्क्वायर आकार में प्रकाश कले दक्षिण पार्श्व में थी संख्या को आम स्क्वायर आकार में प्रकाश करवा तीन शह चबीस कहार स्क्वायर संगे सामान
प्लस और माइनस 18 रो स्क्वायर संगे समान। 324 रो वर्गमूल सूत्र प्रयोग करके काढ़ जमीक 324 तार वर्गमूल केमी बाहर कर तार सर्टकट मेथड रही से अनुसार भी करहब कि भागक्रिया मध्यम आम कर दुईट अंक पर गार गोटे अंक रहा गार पकेबा वन स्क्वायर ठार बड़ कि टू स्क्वायर ठार् ये छोट हो तेणु एटी वन एटी वन लिखा एक एक तीन एक दुई ओल्हला चबीस एक एक सहित जोग हम दुई है एटी भी जहाँ लिखे एटी भी सही लिखे कितु आपको ये संख्या सहित गुणन कले जमी 224 हम एकक स्थानक चार रही तेणु आमर यहाँ दुई हो पारे कि दुईर परम मित्र आठ हो पारे जदि दुई लिखा तो ये भी दुई लिखा दुई बैश गुणिले 44 बहुत स्थान हो तेल आठ लिखा एटी आठ एटी आठ आठ स्थान 64 चार रखने छः आठ गुण 16 छः 22 224 224 हेल्ला शून्य तेणु 324 जहाँ 18 स्क्वायर से माइनस 18 स्क्वायर मध्य से हम तेणु प्लस और माइनस 18 स्क्वायर आम लिखीदे दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस वन इज इक्वल टू प्लस और माइनस 18 दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू ए माइनस वन दक्षिण पार्श्व गले प्लस वन ये रही प्लस और माइनस 18 दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वन प्लस 18 किंबा एक्स इज इक्वल टू वन माइनस 18 दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 19 किंबा एक्स इज इक्वल टू माइनस 17 अतएव निर्णय समाधान 19 और माइनस 17 आपको आम आउ केमी कर और एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 323 दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये 323 बाम पार्श्व का आने माइनस 323 इज इक्वल टू 0 बर्तमान द्विघात समीकरण बाम पार्श्व जो तीनो पद रहा कथा ये रहीगला तेणु ये आम कौन करमती दुईट संख्या भाविया जमी गुणन कले हम सी कारण यार मूल्य एक तेणु गुणन कले केवल सी हवा दरकार किंतु जोग कले हम बी एटी बी हूँ माइनस 2 सी हूँ माइनस 323 तेल दुईट संख्या स्थिर करवा जमी गुणन कले हम माइनस 323 किंतु जोग कले हम माइनस 2 तेल के संख्या को गुणिले गुणफल माइनस 323 हम एटा बहुत बड़ संख्या तेणु ताको आम कौन करवा ये 323 को आम मौलिक गुणनीयक साहय भाग करवा दुई द्वारा विभाज्य नुहे तीन द्वारा मध्य विभाज्य नुहे पाँच द्वारा मध्य विभाज्य नुहे सात द्वारा विभाज्य हो देखा 728 32 28 4 ओल्ला 43 है 742 749 तेनाली सात द्वारा भी विभाज्य नुहे सतर परवर्त मौलिक संख्या 11 11 द्वारा यहाँ विभाज्य हेनी कारण अजुग्म स्थान अंक मान समि छः जुग्म स्थान अंक मान समि दुई छः दुई गल चार जहाँकि 11 द्वारा विभाज्य नुहे तार परवर्त मौलिक संख्या 13 13 के 13 13 दुनिया 26 बतीस रु छबिश गल छा तीन 63 है 13 54 13 55 65 13 द्वारा मध्य विभाज्य नुहे तार परवर्त मौलिक संख्या आस 70 क्या 70 द्वारा विभाज्य हे तेणु 70 द्वारा आम भाग करवा 70 के 70 70 दुणे 34 तेणु दुई पड़े नहीं एक पड़ो 70 के 17 32 रु 70 गले के 15 ये रहा तीन तेल हो गला 153 तेल 17 नुआ 153 19 गोटे मौलिक संख्या तेणु आउ भाग करें 17 रे 19 गुणन कले 323 कि आम गुणफल माइनस 323 हे तेणु यही दुईट संख्या भितर गोटे ऋणात्मक संख्या आसव अच्छा तो क्यों ऋणात्मक हम कमी जाणी 19 फेड़ान 17 हूँ 2 तेल 17 फेड़ान 19 हूँ माइनस 2 तेल 17 माइनस 19 ये हो माइनस 2 तेणु गोटे संख्या हूँ 17 अन्य संख्या हूँ माइनस 19 17 रे माइनस 19 जोग कले माइनस 2 निश्चित हे तो से अनुसार लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 17 एक्स ये 17 एक्स मिले 17 एक्स माइनस 19 एक्स मिले माइनस 19 एक्स ये रहा माइनस 323 इज इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज यही दुईट रु एक्स कमन जीव कमन गले एक्स प्लस 17 यही दुईट रु
आम एम के कमन ना जमी बंधन भितर रहा एक्स प्लस सतर के कमन ना तो एक्स माइनस उन्नीस सहित गुणन कले माइनस उन्नीस एक्स हम तेणु आम माइनस उन्नीस कमन ना कमन ना बंधन भितर रहा एक्स प्लस सतर इज इक्वल टू जीरो दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस सतर कमन ना बंधन भितर किए रहा एक्स माइनस उन्नीस इज इक्वल टू जीरो दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस सतर इज इक्वल टू जीरो किंबा एक्स माइनस उन्नीस इज इक्वल टू जीरो दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस सतर किंबा एक्स इज इक्वल टू उन्नीस आंसर बैठ लिखिद अत निर्णय समाधान माइनस सतर और उन्नीस।